हेलो फ्रेंड्स, मनीषास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बेक्ड वेजिटेबल। देखिए, इस वेजिटेबल में कोई भी स्पाइस नहीं यूज़ होता है, बिना स्पाइस की वेजिटेबल है। सिर्फ एक ब्लैक पेपर यूज़ होगा और कोई भी स्पाइस इसमें नहीं यूज़ होता है। लेकिन बिना स्पाइस के यूज़ हुए भी ये वेजिटेबल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेक्ड वेजिटेबल। देखिए, इसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये कैप्सिकम है, छोटे पीसेस में कटा हुआ। ये कैरेट है, ये एक कैप्सिकम था। ये दो कैरेट हैं, छोटी कटी हुई। ये देखिए, एक बॉल पीस है। ये थोड़े सा जो है कॉलीफ्लावर है। ये तीन पीसेस मशरूम के हैं, छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये देखिए, चीज़ है, थोड़ा सा कट कर लिया है। ये अमूल चीज़ क्यूब है, और ये सॉल्ट, और ये मैदा, ये 2 टेबल स्पून मैदा है, और ये 1 ग्लास दूध। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी सब्जियों को ब्लांच कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी और आधा चम्मच सॉल्ट डाला हुआ है। इसमें हम सभी सब्जियों को ऐड कर देंगे। इसमें आप चाहें तो फ्रेंच बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मिक्स वेजिटेबल्स में यूज़ होती है, तो आप इसमें फ्रेंच बीन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये सब्जी हमारी पूरी, इतना ही पानी डालेंगे कि ये डिप हो जाए। आधा चम्मच सॉल्ट डालोगे, उसको हम 10 मिनट्स के लिए ब्लांच कर लेंगे। इस हमारी सब्जियां जब तक ब्लांच होती हैं, तब तक हम इधर वाइट सॉस बना लेते हैं। देखिए, वाइट सॉस बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा बटर यूज करेंगे। ये वो थोड़ा सा बटर यूज करें, बटर मेल्ट हो गया। इसमें ये मैदा ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। चीज़ मैंने रोका हुआ है, जब इसमें हम ये अपनी ब्लांच वेजिटेबल ऐड करेंगे हम वाइट सॉस में, तब उसमें हम इसको डालेंगे, मैदा को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, मैदा से रोस्ट हो गई है। मेरे ऐड करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा मिक्स डालते जाएंगे, और इसको एक ही तरफ एक ही साइड से चलाया जाती है। व्हाइट सॉस हमेशा एक ही साइड से
कलाई जाती है फिर भी इसमें ये हमेशा बिल्कुल ना तो ज्यादा ठंडा लेंगे ना ज्यादा गर्म लेंगे, मिल्क का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। अब इसको बराबर चलाएंगे, क्योंकि अगर हम इसे बराबर नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और ये हमारी सॉस धीरे धीरे पक के ठीक हो जाएगी। फिर हम इसमें सॉल्ट और पेपर यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सॉस देखिए बनके तैयार हो गई है, तो ठीक हो गई है। इसमें कुछ भी लम्स नहीं है। अब इसमें अपना हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये देखिए ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर यूज करें। ये हमारी सब्जियां ब्लांच हो गई हैं। की सॉस थोड़ी सी अगर ज्यादा थिक लगे, ये जो हमने जिस पानी में सब्जी को ब्लांच किया है इसी पानी को ऐड कर लेंगे थिकनेस के हिसाब से। वो मैं अभी देख लेती हूँ। जितना हमने इसमें यूज किया था ये अपना पनीर ऐड कर देंगे। इसको हम बेकिंग डिश में डालेंगे, ओटीजी में या माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में आप करेंगे तो कन्वेक्शन भी करना है, और ओटीजी में अगर आप इसको बेक करेंगे क्योंकि ये बेक वेजिटेबल है।
ये हमारा मूल चीज क्यूब। बस एट द लास्ट इसको हम ग्रेट करके डालेंगे। एक बार हम सॉल्ट को जरूर टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि फिर इसमें बेक होने के बाद सॉल्ट ऐड नहीं हो पाएगा। परफेक्ट। ये अमूल चीज क्यूब हम क्रिएट कर देंगे। कि जब बेक हो जाएगी तो सब चीज पूरा मेल्ट हो जाएगा। क्यूब आपकी चॉइस पर है, आप ज्यादा पसंद करते हो तो दो चीज क्यूब लें, अगर कम पसंद करते हो, कम चीज पसंद करते हो तो एक यूज करें, लेकिन पूरा कवर तो हो ही जाना चाहिए। हमारी पूरी डिश चीज से कवर तो होनी ही चाहिए, इसलिए मैंने दो चीज क्यूब लिए हैं। बच जाता है उसमें थोड़ा, बस अब हम इसको बेक कर लेंगे। माइक्रोवेव में करें तो कन्वेक्शन में कर लें, ओटीजी में करें तो 180 डिग्री पर कर लें 20 मिनट्स के लिए। जी देखिए फ्रेंड्स, हमारी वेजिटेबल बेक हो गई है, बेक होके तैयार हो गई है इस तरीके से। देखिए आप सब भी इसको बनाएं, जरूर ट्राई करें और एंजॉय करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।